साथ के हैं, हमारे साथ के हैं। तो वहां पे जाके हमने लड़के में आया भी कि तुम तो उससे आगे हमारी शक्त नहीं रही ना वापस आने की, इतनी गर्मी थी। लेकिन वहां पे जब जाके हालात देखे, लोगों के घर गिर चुके हैं, बारहमत लोगों ने बनाने दोबारा शुरू कर दिए, हमारे जो मेजबान थे उन्होंने कहा कि ये सारे लोग रिजर्व नहीं करते, कुछ लोग बर्दाश्त कर देंगे, उनके घरों में दो दो ट्रैक्टर खड़े हैं, लेकिन बात लोग ऐसे हैं जिनकी कुल पूंजी बह गई है। तो मैंने उनके लिए प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन वापस आके हमने उन लोगों को पूछा, तो एक जनाजा था, पूछा कि किसका जनाजा, पता चला कि हमारे फौज जो है वो नूरपुर में लोगों को मार देने में जो बुला रखा था उसमें एक बंदा दब के मर गया। जाते हुए हमने वो देखा था। मैं इस तरह मैं कहता हूँ कि फौज पर हमारा इदारा है, उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, उसका नुकसान हमारा नुकसान है। लेकिन जैसे गंदला में उन्होंने काम किया था, सर्वे करके घरों में चीजें देते थे, इस तरह वो काम नहीं, इस तरह का वो माल राशन फेंकते हैं, कोई ले गया कोई ना ले गया, उनके पास डाटा कोई नहीं होगा, अगर डाटा हो तो वो सामने लाए। आर्मी वाले ने रेस्क्यू किया है, उनकी ड्यूटी थी, लेकिन ये वो गंदला मर गया। एक बंदे की जो है वो छड़ी लगने से उसको रोका गया, फिर मारी गई, तो इस एक बार आदमी का बाजू फ्रैक्चर हुआ। बारह मुझे अफसोस होता है, और मैं अपने पे अलखिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी पे मैं फख्र करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि जामपुर में जब पहले दिन गया था पिछली दफा, तो लोगों की भीड़ लगी, मैंने कहा इस तरह नहीं, जिससे बनी हुई मैंने कहा इस तरह नहीं होगा, आप इज्जत से लोगों के घरों में टोकन देंगे, लोग आएंगे उनको पता होगा, कुछ आधे घंटे में राशन मिल जाएगा, टोकन जिसके पास है। और अगर आपको मैं स्नैप्स अगर आज मैं बिल्डिंग मीडिया ले आता था तो आपको दिखाता कि अगर 200 आदमी भी खड़ा है तो लाइन से लाइन में खामोशी से खड़ा है, उसको पता है कि यहाँ पे इसी तरह मिलना राशन, इस तरह नहीं होगा कि अड़बों को जो सामने आ गए। हाँ, बुजुर्गों को मैंने चंद बुजुर्गों को जिनको मैंने देखा सही है उनकी गाड़ी अलग बनवाई ताकि उनको जल्दी पार करें, वाकई को पहले बुजुर्गों को पहले नौजवानों को बाद। तो वापसी पे उन लोग 16 अपराध को मैंने 16,000 वहां से किए और 80 अपराध को बाकी जो वहां पे थे वो कच्चे में कुछ लोगों को दिए, कुल मिला के आज तक हम 1,06,000 रुपये नकद दे चुके हैं उन लोगों को। हमारी नकद देने की पॉलिसी नहीं है, लेकिन उस गांव में हमने कहा कि राशन नहीं पहुंचा आपको, हम अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से आप ईद से पहले पहले राशन खरीद लें। 96 अपराध डेढ़ सोत्रा के, उनको हमने नकद पैसे काम किए। 16 को उसी वक्त 17 अपराध की जगह पे 80 को मैं अलखिदमत फाउंडेशन राजेपुर के हवाले करके आया था कि सुबह आप जाएंगे और आप उनको लोगों को फ्राम करेंगे, और उन्होंने कल फ्राम करके लिस्टें हमें बनवाने का ई मेल करने का वादा कर लिया है। इसके अलावा भी 2 तारीख के और 2 तारीख 6 तारीख के इस तरह आज तक हमने मैं पहली तक एग्जैक्ट रिपोर्ट देने का आती हूँ। 1,06,000 रुपया कैश आज तक हमने उन लोगों को फ्राम किया, बाकी 1,02,00,000 का राशन जो है और रियाज के बगैर जो हमने 97,00,000 रुपए का रियाज में 1,02,03,00,000 तक हम पहुंच चुके हैं। अलखिदमत फाउंडेशन, जमात इस्लामी, ख्वातीन सब मिला के इस वक्त 1,64,00,000 रुपए अलखिदमत फाउंडेशन खर्च चुकी है। लेकिन मैं ये जो फिगर कर रहा हूँ ये 1,03,00,000 की ये सिर्फ और सिर्फ राजनपुर में हमारी तरफ से लगी है, बाकी भक्कर में गई है, मरकज में गई है, बाकी जगहों पर 1,64,00,000 रुपए। इसके अलावा 25,00,000 रुपए महमदी वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो कि उन्होंने अलखिदमत फाउंडेशन गुजरात के जरिए और अलखिदमत फाउंडेशन राजनपुर के जरिए इस्तेमाल किया है, उसको अगर मिलाएं तो 1,28,00,000 रुपए का राशन हम आज तक जो है राजनपुर में जिला गुजरात से दे चुके हैं। जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं, अलखिदमत फाउंडेशन जिला गुजरात ने राजनपुर को बरादर जिला करार दे दिया है, मुआहदे मदीना के तहत जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए, उन्होंने एक अंसार और एक मुहाजिर को भाई बनाया था, हमने उस जिले को अपना भाई बनाया। इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम दावत देते हैं तमाम तंजीमों को कि वो वहाँ पे एक एक गांव को अपना बराबर गांव बना लें, उसके बाद हम दावत देंगे इंफरादी हैसियत में पूरी दुनिया में मुसलमान जो बस रहे हैं और गुजरात में जो साथी जो लोग बस रहे हैं उन मुसलमानों को दावत देंगे कि हम जिससे फ्राम करेंगे हम उनको वहां पे ले जाएंगे, उनको वहां पे रास्ता कराएंगे, वो डायरेक्ट उनको दें। हम नहीं चाहते कि सारा पैसा मेरे जरिए से हो गया, अलखिदमत फाउंडेशन के जरिए से होकर वहां पर जाए। हमने ये तय किया है कि हम लोगों को कहेंगे कि जी आप एक अपना भाई मान बना लें, उसको घर बना के भी दें, उसको असिस्टेंट करें, 20,000 में बनाए 50,000 में बनाए, आप उसके जो बाकी तकलीफें हैं वो दूर करें, उसको सामान ले लें। इस तरह जो लोग हैं जिनकी लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम खुद वहां पर पहुंच के लोगों को दें, इंशाल्लाह जिससे हम सत्ता के अहल और बाकी लोगों की कंपेटेबल लोगों के लिए आएंगे
अगर कोई चाहता है कि मैं खाता नहीं का बताऊं, मुझे कंपैटिबल फैमिली चाहिए, हम कंपैटिबल फैमिली ले आएंगे। लेकिन ये है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इस तरह से मैक्सिमम लोगों को अवार कर सकते हैं। अल्हिम्मत फाउंडेशन ने इंशाल्लाह राजनपुर जिला को वो अपने भाई जिला करार दिया है, तो उसमें हम चाहेंगे अल्हिम्मत फाउंडेशन भी एक बस्ती को बात करेगी, एक शहर को बात करेगी, इसी तरह हम दावत देंगे तो अहले गुजरात को और तमाम बैरून ममालिक जितने लोग हैं उनको हम एक फरिश्ते फराम करेंगे और उनका टेलीफोनिक रब्ता को करने की कोशिश करेंगे कि जिस फैमिली को वो अडॉप्ट करते हैं उसको एक कम्युनिकेशन के लिए छोटा सा मोबाइल ले देंगे ताकि उनका रब्ता रहे और वो पैसे डायरेक्ट भेजे या हमारे रिलेशन से रब्ता रख के भेजे, हमें भी आएंगे तो हम भी आ करें। अब तक हम जिन लोगों को जितने लोगों ने हमें डोनेशन दी है उन सबको हम दावत देते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हमारा हाथ बताएं, वहां पे आप सिस्टम देखें। और मोहम्मदी वेलफेयर अभी मगरब के फौरन बाद मैंने वहां उनके प्रोग्राम में जाना, मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी के एजाज में वो जो 25 लाख का सामान लेके गए थे उनकी तस्वीरें 24 घंटे बाद मैं लेके आया हूँ कि कच्चे के इलाके में 25 किलोमीटर दूर जो है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस बेटी पे मैं जा रहा हूँ, जिस कश्ती पे मैं जा रहा हूँ, उसी बोर्ड पर बोर्ड में एक बंदा मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी का जो कि हमारे लोगों ने वहां पर तस्वीर किया, पानी का केन 5 किलोमीटर का उसने जमजम की तरह उठाया हुआ है, लेके जा रहा है, रात उसने वहीं पर गुजारी, उसने पानी इस्तेमाल किया, 1, 2, 4, 5 गिलास निकले हुए थे लेकिन उसने पानी उठाया हुआ है और राशन उठाया हुआ है तो लेके अपने घर जा रहा है और जहाँ पे वो अपने घर पहुंचा है वहां पे भी जाकर हमने उसकी तस्वीर बनाई है। चूंकि हम भी कच्चे के इलाके में जा रहे थे कि लोगों को पता चले कि 25 मिनट दूर भी हमने फाउंडेशन वालों ने लोगों को बुला के राशन दिया है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने अमीर सूबा को भी खत लिखा है और ये इसकी तरफ तक गवर्नमेंट की भी हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं। आपको मैं गुजारिश करूंगा कि इस सारे के अलावा एक यूनिट जो है अलहदा से बनाए कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर का जो इलाका राजनपुर की तरफ लगता है उसकी नई सिरे से जो है वो हुकूमत अपनी को इस्तेमाल करें या उसका बंदोबस्त करें या उसका उसका इस्तेमाल, ये रोज जिले बनते हैं, रोज जिले टूटते हैं। मैं आपको हैरान होंगे, आप ऐसे ही है कि कांटा मोटा के करीब अगर वो गांव हो तो उस गांव को वो गांव हिस्सा हो वजीराबाद का, ये इसी तरह है।